नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। नवरात्रि के पर्व के दौरान पूरे देश भर में गरबा पंडाल लगाए जाते हैं, लेकिन गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर हर साल विवाद सामने आता रहता है। इस बार भी गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के एंट्री को लेकर सियासी पारा हाई है। गरबा में एंट्री को लेकर एक नया मुद्दा गर्मा गया है। इंदौर से बीजेपी नेता के एक बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी नेता और इंदौर से जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा ने आयोजकों को अजीबोगरीब सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गरबा पंडाल में आने वाले लोगों को गौमूत्र पिलाया जाए, गौमूत्र पिलाने के बाद ही गरबा पंडाल में घुसने दिया जाए। अगर वो हिंदू होगा तो गौमूत्र पी लेगा और नहीं पीने वाले की पहचान हो जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड से पंडाल में एंट्री को लेकर उन्होंने कहा कि आधार कार्ड तो एडिट हो जाते हैं, गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए आने वाले लोगों को सिर पर तिलक भी लगाना चाहिए। जरा सुनिए कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं उनको, और उसके बाद आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। माता की आराधना का है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियां करती हैं और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गो माता, हमारी जो माता है, गोमूत्र हम लोग पीते हैं। प्रसाद स्वरूप महत्व सभी को देना चाहिए, तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गो माता गोमूत्र पिए वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है, टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व, और साथ ही साथ गो माता हमारी माता है, गोमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। आधार कार्ड को भी लेकर आपकी, देखिए आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना, सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गो माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। और जिसने नहीं पिया वाली जी इस पे भी आया भाई, हिंदू है तो पिएगा, बिल्कुल पिएगा, नहीं पीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। स्वाभाविक बात है, सब उनके धर्म की बात है, अगर जिसके धर्म की जो बात है वो उसका पालन करे तो उस पर किसी को बुरा क्यों मानना चाहिए। मैं नहीं समझता कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति उसको बुरा मानेगा, और जिसे जाना है उसके लिए तैयार है, चला जा, हम क्या बोलेंगे। जो जो व्यक्ति है स्वतंत्र भारत है, हम तो संविधान वाले लोग हैं ना, तो संविधान ने आजादी दे रखी है, जिसको लगे चला जाए, जिसको नहीं जाना है नहीं जाए। लेकिन ये कहीं बंदिश नहीं लग रही है कि किसी को अंदर जाना है तो उसे गौमूत्र पीना पड़ेगा। ये इस बंदिश का तय करना भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश का संविधान तय करेगा, और संविधान ने इजाजत दे रखी है। लेकिन अगर कोई कार्यक्रम आयोजन करता है और आयोजन करता कहता है कि मेरे मापदंड ये हैं, जाहिर है अगर उसके मापदंड है तो जाने वाले को उसका पालन करें, मैं उसमें समझता हूँ कोई बुराई नहीं। सामने भी बोला है कि शक्ति रहेगी, सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, प्रशासन को निर्देश दिए हैं। निश्चित रूप से नवरात्र का ये जो पर्व है ये शक्ति और साधना का पर्व है। संपूर्ण समाज अपनी शक्ति में, सामर्थ्य में वृद्धि करे, शस्त्र और शास्त्र की साधना करे, यही अपेक्षा नवरात्रि हम सब सनातनियों से करती है। मगर दीदी आपके समय आपने आदेश भी दिए थे कि वोटर आईडी लाना अनिवार्य है, क्योंकि घर में महाउत्सव में, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे उस दौरान कि कई दूसरे जो समुदाय जात के लोग वहाँ पहुँच रहे थे, तो ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, देखिए आईडी तो आप जानते हैं हर क्षेत्र में कंपलसरी अनिवार्य है, तो गरबा में भी आईडी कंपलसरी होनी चाहिए। जो भी आए अपनी पहचान छुपा कर ना आए, बस अपेक्षा इतनी है, आप अपनी पहचान के साथ आइए, अपने घर परिवार, अपनी बहन बेटी पत्नी के साथ आइए और शामिल होइए, कोई आपत्ति नहीं है, पर अपनी पहचान छुपा कर आप लव जिहाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। इसके लिए आप पत्र लिखेंगे क्या मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिए हैं कि निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से, और मैं तो ये अभियान विगत 20 वर्षों से सतत चल रहा है, और आज देखिए आज हर पंडाल जागरूक है, सजग है, सभी मेरे कार्यकर्ता साथी और आयोजक इस बात के प्रति बहुत ही चतन्यता से काम करते हैं। तो सीएम साहब को पत्र का कुछ
सीएम साहब मेरी अनुशंसा को पिछले 20 साल से जानते ही हैं और इसी के उन्होंने कह ही दिया कि बहुत सख्ती से सभी पंडालों में इसका पालन किया जाएगा। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर के सियासत मची हुई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अजय सिंह यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज़ पर। प्रियंका शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ पर। और अजय सिंह, अजीबोगरीब बयान ये आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई जो गौमूत्र पिएगा उसी की एंट्री हो दी जाएगी गरबा पंडाल में। मामले में दो चीजें बिल्कुल महत्वपूर्ण है, एक किस तरह की बात कही गई और क्या उनकी मंशा है। अगर ये कहें कि गौमूत्र पीने वाली बात कही है तो ये उनकी व्यक्तिगत राय है, सरकार द्वारा इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है, इसलिए सरकार को इस मामले में कहीं कोई स्पष्टीकरण की बात नहीं आती है। और दूसरी बात इस मुद्दे पर उनकी मंशा, तो मंशा स्पष्ट तौर पर है कि गरबा के नाम पे जिस तरह से लव जिहाद जैसी, सुहर्ता जैसी घटनाएं सामने आई, पहचान छुपाकर माताओं बहनों को बरगलाने की घटनाएं सामने आई, उन्हें रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए जाना आवश्यक है। तो ये मंशा पूरी तरह ठीक प्रतीत होती है कि इस तरह से पहचान छुपाकर जाना और ये हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को चोट पहुंचाने के साथ ही हमारी आराधना को भी एक तरह से नष्ट करने वाली बात है, क्योंकि गरबा कोई नाच गाने का आयोजन नहीं है, ये नवरात्रि में माता की आराधना का त्योहार है। गरबा के माध्यम से माता की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, ये कोई ऐसा आयोजन नहीं है जिसमें आप हर्षोल्लास या फिर कोई नाच गाने के आयोजन की तरह कोई भी आ जाए जिसकी उस धर्म में आस्था ना हो। तो विशुद्ध रूप से जिनकी हिंदू धर्म में आस्था ना हो, जो माता रानी को ना मानते हो, जो उनकी पूजा आराधना ना करते हो, तो उनका ऐसे आयोजन में कोई काम नहीं है, इसलिए ये मंशा पूरी तरह ठीक है। अलग अलग लोगों द्वारा अपने अलग अलग प्रावधान रखे गए, क्योंकि गरबा का आयोजन कोई सरकार तो करती नहीं है, सभी जगह प्राइवेट संस्थाओं द्वारा, प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा ही गरबा का आयोजन किया जाता है, इसलिए अलग अलग संस्थाओं के अपने नियम है। अधिकांश जगहों पे आईडी कार्ड कंपल्सरी किए गए जो कि बेहद जरूरी था, और साथ ही हिंदू धर्म सनातन धर्म की जो परंपराएं उन्हें मानते हुए भी जो उपाय किए जा रहे हैं वो भी ठीक है, जिससे कि सनातन की परंपरा बनी रहे। ठीक, बिल्कुल। प्रियंका जी, ये आयोजनकर्ताओं के नियम हो सकते हैं, आयोजनकर्ताओं के पर्सनल वक्तव्य हो सकते हैं, उनकी पर्सनल मंशा हो सकती है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी, मोहन यादव जी और बीडी शर्मा जी से बड़ी विनम्रता से निवेदन है कि आपके पास जो ज्वलंतकारी मुद्दे हैं वो खत्म हो गए। गरबा गरबा गरबा, किस तरह की आप धर्म के बीच आड़ में ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? कितने मुद्दे हैं हमारे सामने, आज 2 साल की बच्ची से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक की उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, परिवार छल्ली छल्ली हो रहा है, पूरे महिलाओं में कितना भय और संरक्षण प्राप्त नहीं है हमारी बच्चियों को, नन्ही मुन्नी बच्चियों को, आप देखिए कितनी बुरी तरह से बेरोजगारी है। गरबा गरबा, एक आप अच्छे से अपनी नवरात्रि चल रही है, देवी माँ के सब उपासक हैं, अच्छे से अपना पूजा पाठ करो, अपना गरबा करो, ये क्या तरीका है आपका कि गौमूत्र पी गया है? आप बताइए, जो गौमूत्र पी है वो पाक हैं, वो धुले हुए हैं, क्या ढोंग धतूरे हैं, समझ में नहीं आते। आप मुद्दों से भटक के इन सब चीजों पे आ जाते हैं, किसान सड़कों पे रो रहा है, अतिथि शिक्षक में कल डंडे पड़े हैं, ये आप जो आपके जो मेन मुद्दे हैं उनको लेके आप चलते नहीं है, ये किस बात की चर्चाएं चलती है मुझे तो समझ में नहीं आता है। और ये आप चाहते क्या है, धर्म की राजनीति करके क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों को क्या भविष्य देना चाहते हैं आप? ये है कि हम लाठियां एक दूसरे पर लाठियां बरसाते रहे, हम मतलब हम जन्म साथ लेते हैं पर साथ में जी नहीं सकते हैं, ये क्या तरीका है आपका? आप प्रशासन मौन क्यों है बताइए, प्रशासन मौन क्यों? प्रशासन अपनी व्यवस्था करे, कोई संगठन थोड़ी ना चलाएंगे हर चीज के, किस तरह से हिंदू त्योहार मनाए जाएंगे। नहीं, लेकिन ये तो बात बीजेपी की तरफ से लगातार कही जा रही है ना कि प्रशासन का कोई इसमें बयान ही नहीं आया है कि प्रशासनिक अमले ने कहा हो कि जो गौमूत्र पिएगा उसी की एंट्री होगी। कि हमें किस तरह से त्योहार मनाने हैं आप बताइए, गौमूत्र पीने से आप पाक और साफ हो जाएंगे क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। गौमूत्र पीने से किस तरह की राजनीति चल रही है, किस तरह के नियम चल रहे हैं, किस तरह का धर्म चल रहा है,
ये जो मेन मुद्दे हैं आप उन पे आइए, अब कुछ ज्वलंतकारी मुद्दे नहीं बचे, आपको सुलझाने पड़ेंगे। आज घर में बेरोजगारी है, आज बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, फौज खड़ी कर दी आपने बेरोजगारों की, आज महिलाएं रो रही हैं, आज किसान रो रहा है, आज मजदूर रो रहा है, आप बताइए, महंगाई देखिए आप, इन मुद्दों से हटके आप या क्या तमाशे, मुझे तो लगता है ये तमाशे हैं, कुछ नहीं है केवल, लेकिन जनता सब जानती है इन सब बातों से कुछ नहीं होता है। आपकी सरकार है, आपको सरकार को इन मुद्दों पे बात लेनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, विपक्ष चुप नहीं बैठेगा, ज्वलंतकारी मुद्दे हैं ये आग लगा रहे हैं पूरे प्रदेश में, हमारा प्रदेश पूरे देश में शर्मसार हो रहा है। आप खुद देखिए हर रोज कितने बलात्कार हो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए मोहन सरकार को, किन बातों पे, किन मुद्दों पे उनके नेता बात करते हैं, टीका लगाने से और ये गोमूत्र पीने से आप कोई बहुत भले आदमी और पाक साफ नहीं हो जाते हैं। अजय जी, ये बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि दरअसल मुद्दों को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान दिलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। देखिए योगेश जी, कांग्रेस के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल जाएगा। स्पष्ट तौर पर सरकार महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर भी काम कर रही है, लेकिन साथ में अगर कोई लफ जिहाद करने का काम करेगा, हमारी माताओं बहनों के खिलाफ साजिश करेगा, तो वो भी इस मध्य प्रदेश की धरती में बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भटकाने की जरूरत नहीं, स्पष्ट तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी सरकार में लफ जिहाद नहीं चलेगा। कांग्रेस के नेता कितना भी रोना रोलें, लेकिन हमारी माताओं बहनों के साथ जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उन्हें रोका जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा किसी तरह का कोई फरमान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सनातन धर्मियों द्वारा अगर चाहे टीका हो चाहे गौमूत्र जैसी बात की जा रही है तो इनमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। मुझे आप बताइए कि सनातन धर्म का इतना बड़ा त्योहार है नवरात्रि, जिसमें देश भर की माताएं बहनें और सभी श्रद्धालु उपवास करते हैं, और ऐसे आयोजन में अगर मांस मछली खाकर आने वाले लोग आराधना में होंगे, क्योंकि वो उनका रूटीन में भोजन है, तो क्या ये चीजें बर्दाश्त की जा सकती हैं? और जिनके धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है और माता रानी की आराधना केवल प्रतिमा और मूर्ति के साथ की जाती है, तो ये कितना बड़ा धोखा है कि ऐसे लोग नवरात्रि में आके कहते हैं कि हम माता रानी की पूजा करने निकले हैं, तो क्या ये संभव है? और कांग्रेस, अजय जी, हम आपकी सारी बातों से सहमत है, लेकिन आपने कहा कि जिस तरीके से लोग मांस मदिरा खाने पीने वाले लोग इस तरीके के आयोजनों में भाग लेते हैं, तो ये जरूरी थोड़े ना कि विशेष धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं वही ये केवल करते हैं, उनसे ज्यादा तो लोग अब दूसरे संप्रदाय के लोग करने लगे हैं। तीसरी बात ये कि मान लीजिए कि जिसको गलत काम करना ही होगा, ये कैसे सिद्ध होगा कि वो गौमूत्र पी लेगा तो पंडाल के अंदर जाएगा तो गलत काम नहीं करेगा? देखिए ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई बोले कि अपराध नहीं रुकेंगे तो प्रयास भी ना किए जाए, तो नहीं, प्रयास किए जाने चाहिए, लेकिन सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए ना। मैं तो उसकी तारीफ करूंगा, सार्थक प्रयासों की मैं तारीफ करूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए। मुझे बताइए, जिन्हें नाचने गाने के लिए आना है तो दुनिया भर के नाचने गाने के संस्थान बने हुए वहां जाए, माता रानी के आयोजन में क्यों आना? तो ये स्पष्ट तौर पर उनकी दूषित मानसिकता दिखाती है। और पिछले इतिहास में और पिछले कई सालों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई हैं कि नवरात्रि के गरबा के आयोजनों में लफ जिहाद किया गया, माताओं बहनों को बरगलाया गया, उन्हें फंसाया गया और उनकी जिंदगी बर्बाद की गई। कांग्रेस के नेताओं को शर्म आना चाहिए, वो तो अपने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में फरमान जारी कर दें कि हम लोग लफ जिहाद का समर्थन करते हैं, जिस तरह की बात कांग्रेस के नेता प्रवक्ता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये लफ जिहाद नहीं होने देगी। जो हमारी सनातनी परंपराओं को दूषित करने का काम करेंगे उन्हें रोका जाएगा, और अब भविष्य में इसके लिए जरूरत होगी तो सरकार द्वारा भी गाइडलाइन बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसे विधर्मियों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। प्रियंका जी, मुझे तो शर्म आती है इन चीजों पे, जिस तरह से ये कह रहे हैं, ये गौमूत्र पी के ही ये लग गया, ये सब खत्म होगा। अरे भाई, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए कि क्या सही है क्या गलत है, ये क्या तरीका है, ये राजनीति क्यों आप हर बात में लेके, आपको शर्म आनी चाहिए। आप खुद
परिवार में रहते हैं, आप खुद समाज में रहते हैं, गौमूत पीजिए, गौ की हत्या देख लीजिए आप, रोडों पे कितनी गाय मर रही हैं, जिनको पानी आप पिला नहीं पा रहे हैं, गायों की हत्याएं हो रही हैं, गौ मित्र गोपी के आप वो हो रहे हैं, पाक साहब किस तरह की बातें करते हैं, वो तो उन्हें ये है कि बस धर्म की आड़ में, उनकी मोदी जी कहते हैं ना कि सर्वधर्म एक है, अखंडता में एकता, तो कहाँ है अखंडता में एकता, आप बताइए। अजय जी, सर्वधर्म संभाव की भावना की बात हम करते हैं तो फिर ये बीजेपी में ऐसी कैसे दुराभाव की बात हो रही है? देखिए योगेश जी, मेरा स्पष्ट तौर पर प्रियंका जी से सवाल है, क्या गौ माता को आप माता नहीं मानती हैं? जिस तरह से आप गौ माता और गौमूत्र से इतनी तिरस्कार की दृष्टि से बखान कर रही है, तो आप बता दीजिए, हम लोग तो गौ माता मानते हैं, गौमूत्र में हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं दिखती है, कहीं कोई आपत्ति नहीं दिखती है, कहीं कोई आपत्ति गलत है, आप राजनीति वही तो, वही तो दुख की बात है, वही तो दर्द है, वही तो दुख की बात है, बीजेपी वाले धर्म, मैं अपनी बात रख लूंगी, आपको और कहना है तो आप ही कह लीजिए, पहले आप ही बात देखिए हिंदू धर्म सनातन धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है और गौ मूत्र भी हमारे लिए प्रसाद के समान है, तो जो भी सनातनी होगा वो कभी भी गौ मूत्र को वही सम्मान देगा जो कि हिंदू धर्म में गौ माता का सम्मान है, तो इसलिए ये कहना कि गौमूत्र कोई ऐसी चीज है कि जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, ये कांग्रेस का वो विधर्मी चेहरा दिखाता है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सर्वधर्म संभव, जब तीन तलाक पर कानून बनाते हैं, जब हलाला के खिलाफ बोला जाता है, तो यही मुस्लिम धर्मावलंबी कहते हैं हमारे धर्म के बीच में ना बोले, यहाँ तक कि वक्फ की संपत्ति को भी, जिन्होंने लाखों करोड़ की संपत्ति हड़प रखी है, जब सरकार कानून लाते हैं तो कांग्रेस और उनके लोग बचाव करने लगते हैं कि धार्मिक मामलों में सरकार हस्तक्षेप ना करे, वो हिंदू धर्म के आयोजन में आप लोग विधर्मी बनकर जाएं, माताओं बहनों को बरगलाएं, उसको स्वीकार कर लिया जाए, ये कैसी राजनीति है आपकी, धिक्कार है आपकी राजनीति को, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को देश की जनता नकार रही है और सालों साल तक नकारती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उन आतंकियों के साथ खड़ी है, उन विधर्मियों के साथ खड़ी है जो हमारे धर्म की पवित्रता को भी नष्ट करना चाहते हैं, साथ ही हमारी माताओं बहनों पर गलत नजर रखते हैं, ऐसी गलत नजर रखने वालों के बचाव में जो खड़े हैं उनकी राजनीति पर धिक्कार है। प्रियंका जी, अब जवाब दीजिए, सारे धर्मात्मा तो यही लोग हैं, सारे धर्म के काम यही कर रहे हैं, हम तो अधर्मी हैं, ये नहीं देख रहे हैं जनता रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, बुजुर्ग रो रही हैं, मेन मुद्दे उज्जवल ज्वलंतकारी मुद्दों पे आते नहीं है, आप बताइए खरगोन में रेंजर को मार दिया है भूमाफियाओं, क्योंकि इनका संरक्षण है, इन सब इन मुद्दों पे नहीं आते हैं, गरबा गरबा गरबा, भाई पूजा पाठ सब करते हैं, माता देवी मैया सबकी है, भगवान सबके हैं, जो भी है आप प्रशासनिक थोड़ा अलर्ट रहो, भले ही सरकारी वो नहीं है, ये गवर्नमेंट का नहीं है ये गरबा, बट प्राइवेट करण है इसमें, भाई प्राइवेट लोग करवाते हैं अपना, आप वो वैसे फीस लेते हैं, वो तो 400 500 हजार 2000 रुपए की रसीद कट के भाई गरबा में एंट्री हो रही है, इसमें अब गौमूत्र कहाँ से आ गया बाबा, आप लोग क्यों भैया धर्म को, क्यों गौ माता को, क्यों गौमूत्र को, क्यों इन सबको राजनीति में लाते हैं, धर्म को धर्म की तरह देखने दीजिए, बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, धर्म के पीछे लड़े क्या करना चाहते हैं आप, हमारे आगे भविष्य हमारे बच्चे उनके साथ क्या करना चाहते हैं, वो साथ में ना रहें, लड़ें आपस में, एक दूसरे को दुश्मनी की नजर से देखें, और वैसे ही सब नष्ट करके बैठे हो आप लोग, सरकार में बैठे हो तो कुछ ऐसा तो कर दो कि रोए ना हम, हर घर में बच्चा रो रहा है, महिला रो रही है, बुजुर्ग रो रहा है, जाके देख लें एक बार, आप बैठ जाते हैं, आप सत्ता में हैं, सत्ता के मद में इतना चूर हो गए हैं आप लोग कि जो मेन मुद्दे हैं उनसे पे बात नहीं रखते हैं, मैं परेशान हूँ सुन सुन के, बस वही बात, बस वही बात, बस वही बात। लेकिन सवाल ये उठ रहा है प्रियंका जी कि ठीक है, अगर कोई आयोजक है उसके अपने नियम शर्तें लागू हो सकती हैं, वो अपने नियम अपने कानून के अंतर्गत लोगों को उस कार्यक्रम में एंट्री कराने दे रहा है, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा भाई जिसको नहीं है, जो तथ्यपूर्ण नियम नहीं है, आप बताइए, मैं तो ये कह रही हूँ, आप बताइए, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, आज हमारे यहाँ के भी लोग क्या गौमूत्र पी के अंदर जाके कोई हरकत नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, आप बताइए ऐसा हो सकता है, हम और आप भी ये चीज जानते हैं, हम कैसे उस बात का समर्थन कर दें, आप बताएं, जिस बात का कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन दस्तविहीन बात है जो, उस बात का समर्थन कैसे कर दें,
आप तो कुछ भी कह सकते हैं, कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस आपको तो कहना ही है क्योंकि विपक्ष मुद्दे उठाता है। अगर हम मुद्दे ना उठाएं तो आपकी तो सारे सारे राम राज्य हैं, ये मोहन सरकार के राम राज्य चल रहे हैं, आप सब उनके सेना हो, चला रहे हो। पर ऐसा नहीं होगा, हम चलने नहीं देंगे। अजय जी, वही सवाल आ गया जो मैंने शुरुआती दौर में पूछा था कि आखिर गौमूत्र पीने के बाद क्या गारंटी दी जाएगी कि अंदर जाने वाला व्यक्ति पाक साफ होगा। पहले तो प्रियंका जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। क्या आप चाहती हैं कि गरबा आयोजनों में हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म के मानने वाले लोगों को भी मौज मस्ती के लिए आने दिया जाए? क्या आपकी ये मंशा है? मैं तो स्पष्ट तौर पर पूछ रहा हूँ आपसे। प्रियंका जी, आपसे सवाल है, आप कैसे निर्धारित करेंगे? अरे मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि अन्य धर्म वालों को गरबा में आने दिया जाए? अन्य तो बस यही तरीका है, यही तरीका है। अरे मैं तो तरीका की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप अपना मत तो दीजिए, आप तो मत ही नहीं बता पा रहे हैं। मैं केवल इस बात के समर्थन में हूँ कि आप ये सब मुद्दे हैं। केवल इतना बताइए कि क्या आप चाहते हो कि विधर्मी लोग गरबा में आए, उन्हें अनुमति दिया जाए? विधर्मी लोग गरबा में आएंगे ही नहीं, देवी माँ का प्रोग्राम है। आते हैं कई मामले, आयोजक तक बने बैठे हैं, आपको जानकारी नहीं है कि आप टीवी पे बैठ के पक्ष रखने, आपको इतना भी पता नहीं? आते भी सारी जानकारी है। आपका मत क्या, आप क्या चाहते हैं कि ऐसे विधर्मी लोग गरबा में आए? और कोई मुद्दे नहीं, आप तो केवल मुझे अपने मत बताइए ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, और कोई मुद्दे नहीं है आपके पास? मैं तो आपका ये पूछ रही हूँ। अरे मैं आपसे स्टैंड पूछ रहा हूँ, आपसे क्या सवाल? आपकी नहीं है, स्पष्ट बता दीजिए आप क्या चाहते हैं। आपकी इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम नहीं चाहते हैं कोई भी धर्म। आप क्या चाहते हैं धर्म के पीछे? बिल्कुल नहीं आएगा, तो हमारे बच्चे तो आपको चाहते हैं कि सभी विधर्मी गर्भ में आएंगे? आप कुछ नहीं चाहते, आप जो आप चाहते हैं कि बस धर्म की आपकी कलई खुल गई है। योगेश जी, अब इन्होंने बहुत देर से महिलाओं और अत्याचारों की बात करी, अब मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में बलात्कार के आरोपी रहे उमंग सिंगार और हेमंत कटारे महिला अत्याचार और महिलाओं के ऊपर किस तरह के कृत्यों के आरोपी रहे, इन्हें इन्होंने प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष बना रखा है। चलिए ठीक है, बहरहाल इस मुद्दे पर अजय जी जाएंगे तो लंबी फेहरिस्त हो जाएगी, एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से लंबे नाम आएंगे, और केवल मध्य प्रदेश का ही जिक्र नहीं बल्कि राज्य दर राज्य की स्थिति कुछ ऐसे ही नजर आएगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोनों मेहमानों को यहीं पे हमें रोकना पड़ रहा है, और आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो अब गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर के भी मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।